गाइस फ्री फायर में अभी के टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है गाइस सेंसिविटी का सेटिंग, ठीक है। और गाइस मेरे पास ऐसा एक सेंसिविटी सेटिंग है जिसके मदद से आप लोगों का फोन नॉर्मल फोन से आईफोन की जैसा काम करेगा। भाई बहुत ही सीक्रेट और बहुत ही खतरनाक एक सेटिंग है सेंसिविटी का, जिसके मदद से मेरा जो फोन है ना भाई कितना स्मूथ चलता है, कितना आराम से मैं हेडशॉट मार सकता हूँ हर एक बंदे को, बिंदास थोड़ा सा ड्रैग करने से हेडशॉट लग जाता है, बिंदास गेम प्ले होता है भाई, क्या ही बताओ मजा ही आ जाता है बहुत। सो ये सेंसिविटी गाइस मैं आज आप लोगों के सामने रखूंगा और सबको बता दूंगा कि कैसा सेंसिविटी रखना है और कौन से फोन में क्या सेंसिविटी रखने से आप लोगों का फोन एकदम आईफोन की जैसा चलेगा, ठीक है। तो गाइस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। आप लोग जब सेंसिविटी सेक्शन में आओ तो आप लोगों को दिखेगा कि सारी की सारी चीज आप लोग 200 कर सकते हो। और गाइस देखो लिटरली सभी बंदे, लिटरली सारे के सारे बंदे ना कंफ्यूज है। और गाइस आप लोग अगर सोच रहे हो कि आप लोग ज्यादा सेंसिविटी रखोगे मतलब 200 करके रखोगे तो फिर आप लोगों का ज्यादा हेडशॉट लगेगा, तो गाइस आप लोग ना एकदम गलत हो। तो गाइस मेरे को पता है हर एक बंदा हर एक यूट्यूबर के कमेंट सेक्शन में जाके यही बोल रहे हैं कोई बंदे का हेडशॉट नहीं लग रहा है, वो लोग क्या सेंसिविटी रखे। और अपडेट के बाद हर एक बंदा कंफ्यूज है क्या रखे क्या ना रखे। तो वीडियो के हर एक पार्ट को अच्छे से देखना क्योंकि गाइस मैं आप लोगों के लिए हर एक डिवाइस का जो बेस्ट सेंसिटिविटी होगा अभी के टाइम के लिए वो गाइस मैं आप लोगों को बता दूंगा। गाइस मैं ना 2 दिन तक एकदम हर एक डिवाइस में एक एक करके मैच खेला और गाइस 2 दिन खेलने के बाद मुझे अच्छे से पता चल गया कि कौन सी डिवाइस में क्या सेंसिटिविटी रखना है हेडशॉट मारने के लिए, तो वो मैं आज आप लोगों को बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेशन निकाला है, तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो में बस 200 लाइक कर देना। देखो गाइस अपडेट की बात, अगर इस चैनल को आप लोग 200 रखोगे, ठीक है, ज्यादा रखोगे तो उससे मेनली क्या होगा, उससे मेनली ये होगा आप लोग जब भी जॉयस्टिक को इधर उधर घुमाओगे, फोन को इधर उधर घुमाओगे तो वो ना बहुत स्पीड से इधर उधर जाएगा, इससे ना आप लोगों के हेडशॉट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क पड़ेगा आप लोग का जो मूवमेंट है ना, फ्री फायर के करेक्टर को इधर उधर घुमाने का जो मूवमेंट है ना वो बहुत फास्ट हो जाएगा, लेकिन इससे हेडशॉट नहीं लगेगा। और उसके बाद रेड डॉट का बता देता हूँ, रेड डॉट एक्चुअली क्या होता है। देखो गाइस रेड डॉट से ना वन टाइम हेडशॉट मारने का कोई लेना देना, और गाइस ये तभी वर्क होता है जब भी आप लोगों के गन में डिफॉल्ट एम लगा होता है, मतलब कोई भी 2x स्कोप या तो 4x स्कोप नहीं लगा होता है, तब जाके डिफॉल्ट स्कोप काम आता है, जैसे कि SKS हो गया, जैसे कि आप लोगों का एक्सीमेंट हो गया, तो इस टाइप की गन। ओके उसके बाद गाइस 2x स्कोप का तो आप लोगों को पता है, 2x स्कोप में क्या होता है, जितना आप लोगों का सेंसिटिविटी होगा 2x स्कोप में ना उतना ज्यादा हेडशॉट लगने का चांस होगा, तो इसलिए 2x स्कोप अभी के टाइम बहुत खतरनाक हेडशॉट मारेगा जो भी 2x स्कोप से खेलेगा। उसके बाद 4x स्कोप का भी सेम ही है, और उसके बाद स्नाइपर स्कोप का भी आप लोगों को रखना है, और उसके बाद फ्री लुक का भी इतना काम नहीं आता तो मैं यूज नहीं करता, आप लोगों को करना है तो कर लेना, 50 में रखना। ओके अभी गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूं हर एक डिवाइस में आप लोगों को क्या सेंसिटिविटी रखना है, जल्दी से जल्दी कॉपी कर लो, एक बार यूज करके देखो, उसके बाद आगे मेरे को बताना कमेंट पर, ठीक है। 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं मैंने प्रैक्टिकली यूज किया, उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो सबसे पहले गाइस हम लोग 2GB रैम के बारे में बात करते हैं, तो इधर आप लोगों को जनरल 200 रखना है, रेड डॉट को गाइस आप लोगों को 200 रखना है, 2x स्कोप को भी गाइस आप लोगों को 200 रखना है, 4x को भी 200 रखना है, एंड स्नाइपर को भी आप लोगों को 200 रखना है। मतलब गाइस देखो आप लोगों को 2GB रैम में ना सब कुछ को 200 में रखना है, क्योंकि गाइस आप लोगों को तो पता है 2GB रैम में सेंसिटिविटी इतना ज्यादा होता नहीं, तो इसलिए सब कुछ 200 में आप लोगों को रखना है, तो आप लोगों का लैग एकदम से नहीं करेगा और गाइस आप लोगों को DPI भी यूज करने को नहीं लगेगा, तो आराम से आप लोग 2GB पर खेल सकते हो इस सेंसिटिविटी के साथ। फिर गाइस आता है 4GB रैम, इधर भी गाइस आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा लैग। 4GB रैम के बंदे लोगों के लिए भी ये जो सेंसिटिविटी होने वाला है ना वो वन ऑफ द बेस्ट सेंसिटिविटी होने वाला है। आप लोगों को क्या करना है, जनरल को 190 रखना है, रेड डॉट को 180 रखना है, 2x स्कोप को 190 रखना है, 4x स्कोप को आप लोगों को 195 रखना है, स्नाइपर स्कोप को आप लोगों को 130 रखना है, और फ्री लुक को आप लोग कुछ भी रख सकते हो आप लोगों को जो अच्छा लगे। तो ये सेंसिटिविटी गाइस 4GB रैम के लिए काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो गाइस अभी आता है 6GB रैम, और गाइस मोस्टली बंदे ना 6GB रैम में ज्यादातर खेलते हैं, तो उनके लिए क्या बेस्ट सेंसिटिविटी होने वाला है अभी के टाइम में मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आप लोगों को गाइस क्या करना है, जनरल को ना 150 रखना है, रेड डॉट को गाइस 130 रखना है, उसके बाद 2x स्कोप को गाइस आप लोगों को रखना है 140, उसके बाद 4x स्कोप को 130 रखना है, एंड स्नाइपर को 80, फ्री लुक को गाइस आप लोग 100 रखना। और एक बात गाइस आप लोग ना DPI अगर यूज करते हो उसको डिफॉल्ट कर देना, DPI अगर यूज करोगे ऊपर से ये सेंसिटिविटी यूज करोगे तो गाइस आप लोगों का ना गेम पूरा बेकार हो जाएगा, आप लोग कोई भी शॉट कनेक्ट कर नहीं पाओगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा, उससे आप लोगों का गेम प्ले पूरा बेकार हो जाएगा। ओके तो बात करते हैं अभी 8GB फोन के प्लेयर के लिए। गाइस 8GB बंदे लोग आप लोग ना जनरल को रखना 120, उसके बाद रेड डॉट को आप लोगों को रखना है 120, एंड 2x स्कोप को आप लोगों को रखना है 130, 4x स्कोप को 135, स्नाइपर को रखना है 70, और फ्री लुक को गाइस आप लोगों को रखना है 100। और गाइस हाँ एक बात, आप लोग ना प्लीज कमेंट पे ये बताओ मेरे को आप लोग कौन सी डिवाइस में खेलते हो, आप लोग का डिवाइस का रैम क्या है, आप लोग कौन से फोन में खेलते हो,
तो प्लीज जरूर से बताना। ओके, तो अभी बात करते हैं मेन चीज की, जो लोग आईफोन में खेलते हैं उनका सेंसिटिविटी क्या रखना है, मतलब जिनका फोन का रैम 12GB है उनको क्या सेंसिटिविटी रखना है। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग जरूर से देख कर जाओ इसको, क्योंकि ये सुनने के बाद ना आप लोग थोड़ा सा शॉक हो जाओगे। देखो 12GB रैम में ना जनरल आप लोगों को रखना है 88, रेड डॉट को गाइस आप लोगों को रखना है 5, 2x स्कोप को गाइस आप लोगों को रखना है 78, 4x स्कोप को गाइस आप लोगों को रखना है 96, एंड स्नाइपर स्कोप को रखना है आप लोगों को 60, एंड फ्री लुक को गाइस आप लोग 100 रख देना। गाइस ये सेंसिटिविटी आप लोग एक बार ट्राई करके देखो, गाइस आईफोन में ये सेंसिटिविटी सबसे बेस्ट है। मैं खुद ट्राई कर चुका हूँ ऑलरेडी, मैं खेल चुका हूँ इस सेंसिटिविटी के साथ। गाइस आप लोग अगर आप लोगों का अगर हाई फोन है, आप लोग 12GB रैम यूज कर दो तो जरूर से ये यूज करके देखना ये सेंसिटिविटी, क्योंकि जिस जिस बंदे के पास आईफोन है ना, जिसके साथ मेरा कांटेक्ट है, वो लोग सभी लोग मेरे को बता रहे हैं कि ये सेंसिटिविटी एकदम खतरनाक सेंसिटिविटी है आईफोन के लिए, खतरनाक हेडशॉट लगता है आईफोन से इस सेंसिटिविटी के साथ। तो गाइस अपडेट के बाद फ्री फायर में अभी के टाइम जो सेंसिटिविटी बेस्ट था हर एक फोन के लिए, मैंने खेल के प्रैक्टिकली यूज करके आप लोगों को बता दिया है। आप लोग बस अभी जाके इसको लगा कि यूज करके खेलना स्टार्ट करो, और गाइस उसके बाद आप भी खुद ही रिजल्ट देखना आप लोगों का गेम प्ले क्या होता है। उसके बाद जो वीडियो आएगा ना गाइस सेंसिटिविटी के ऊपर, वो तो भाई साहब बहुत ज्यादा खतरनाक आएगा। तो गाइस जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, गाइस पास में जो बेल आइकन है ना उसको भी ऑल पे सेट कर देना। ओके, सो गाइस मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल।